आज का सवाल है, अगर शौहर गलती से बीवी का दूध पी ले तो क्या निकाह टूट जाएगा? शरीयत का क्या हुक्म है? नीज दीनी मालूमात हासिल करने और इस्लाम का पैगाम आम करने में हमारी मदद के लिए हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। आइए जवाब सुनते हैं। अगर हल देखना चाहते हैं तो एक इबारत पढ़ देता हूँ, मस रजुलुन सदिया जौजती ही लम तहरुम, फतावा काजी खान अला हामिसिल हिंदिया में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 417 पे, अद्दुरुल मुख्तार मासानी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 421 पे। इसके अलावा बेशुमार किताबों में, बहुत सारी किताबों में ये मसला आपका हल हो सकता है। मसला ये है कि अगर शौहर गलती से हो या जानबूझकर अगर बीवी का दूध पी लेता है तो बीवी उस पर हराम नहीं होती है। लेकिन याद रखें, बीवी का दूध पीना शौहर के लिए हराम है, हराम। शौहर के लिए बीवी का दूध पीना हराम है, हराम। अगर शौहर अपनी बीवी का दूध पी लेता है तो बीवी उस पर हराम नहीं होती है, उसके लिए अभी भी हलाल है। लेकिन शौहर के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करे, क्योंकि बीवी का दूध पीना शौहर के लिए हराम था और वो एक हराम काम कर दिया है। लेकिन निकाह नहीं टूटेगा। अगर शौहर बीवी का दूध पी लेता है, हराम काम तो जरूर किया है, अल्लाह से माफी मांगना है, तौबा करना है, लेकिन उसका निकाह टूटता नहीं है। बीवी अभी उसके लिए अपनी बीवी है, निकाह नहीं टूटा है। ऐसा नहीं है कि अगर शौहर बीवी का दूध पी लेगा तो निकाह टूट जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो निकाह का जो बंधन है ना, बड़ा पाकीजा बंधन है भाई। मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हराम है, निकाह के जरिए हलाल हो गए। एक दूसरे को देखना जायज नहीं था, एक दूसरे को टच करना जायज नहीं था, सर से पैर तक एक दूसरे के लिए जायज और हलाल हो गए। वो हमारे पड़ोसी मुल्क की एक लड़की का एक इंटरव्यू आजकल आया ना, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अमेरिका की एक मैगजीन को उसने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे जरूरत महसूस नहीं होती कि मर्द और औरत को जो है आपस में ताल्लुक करने के लिए निकाह की क्या जरूरत, शादी करने की क्या जरूरत है। भाई पार्टनरशिप तो ऐसे भी चल सकती है, निकाह की जरूरत है। निकाह के बगैर जो ताल्लुक होगा, कुरान ने कहा वो खबीस लोग हैं, वो गंदे लोग हैं। अल खबीसून लिल खबीसात, खबीस लोग खबीस औरतों के लिए। इस्लाम ने निकाह के साथ जो मर्द और औरत जुड़े उसे पाक कहा है, और जो निकाह के बगैर ताल्लुक रखे उसे नापाक कहा। निकाह के जरिए सिर्फ ये नहीं होता कि हमारी जिनसी ख्वाहिश पूरी होती है, निकाह के जरिए एक दूसरे को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान निकाह को अपनी निशानी करार दिया है। सूरह रूम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। भाई सुकून बीवी से हासिल होगा, गर्लफ्रेंड से सुकून हासिल नहीं होता है। ये जो खुफिया आशनाइयां होती हैं, ये जो नाजायज रिश्ते होते हैं, उसके अंदर शहवत पूरी होती है, सुकून नहीं होता। सुकून मर्द को बीवी से मिलता है। अल्लाह ने फरमाया, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। तो बीवी के क्या हुकूक हैं, हम लोग कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते। हमें ये पता है भाई मर्द कवाम है, मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। ये वाली हदीस हमको बहुत अच्छे से याद है, औरत पसली से पैदा की गई। भाई कभी ये हदीस भी अपनी औरतों को जाके सुना दो कि मर्द के ऊपर क्या हुकूक है बीवी के। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह दूसरे पारे में, वलहुन्न मिस्रुल लजी अलैहिन्न बिल मारूफ, जिस तरीके से औरतों के ऊपर मर्दों के हुकूक हैं, वैसे ही मर्दों के ऊपर औरतों के हुकूक। एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, अल्लाह क्या सवाल किया, मा हक्कु ज़ौजति अहदिना अलै, ऐ अल्लाह के रसूल बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है। आज कोई मौलवी साहब से ये पूछने नहीं आता, सब लोग ये पूछने आता है मेरी बीवी मेरी ये बात नहीं मानती, मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करती। भाई ये हदीस, ये सवाल भी कभी उलमा से पूछो ना, बीवी के क्या हुकूक है मेरे ऊपर। सहाबी पूछ रहे अल्लाह के रसूल से, मा हक्कु ज़ौजति अहदिना अलै, ऐ अल्लाह के रसूल बीवी का क्या हक है हमारे ऊपर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंतुत्इमहा इज़ा तुइमता, जिस लेवल का खुद खाना खाते हो उसी लेवल का बीवी को पहले खिलाओ। वही जक्त सही और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहनते हो उसी हिसाब से बीवी को पहनो। वाला तजरबिल वजह, जितना भी गुस्सा आ जाए बीवी के चेहरे पर हाथ मत उठाओ। वाला तुकब्बे, गाली गलौज मत करो। वाला तहजुर इल्ला फिल बैत, और मियां बीवी में अगर कभी झगड़ा हो जाए तो घर की बात घर के बाहर।
तो बीवी के ये हुकूक है। शौहर के क्या हुकूक है बीवी के ऊपर? अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुरहु इजा नज़र। सबसे बेहतरीन औरत वो है शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर को खुश करना ये बीवी की जिंदगी का मकसद बन जाए, जायज तरीके से शौहर की हर खुशी को पूरी करे, ये बीवी की जिंदगी का मकसद बन जाए। वतुतीउहु इजा अमर, शौहर कोई बात कहे तो बीवी माने। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा वमा लिही बिमा यकरा, और शौहर के माल को बेदर्दी से खर्च ना करे। शौहर कमा रहा है ना, मेहनत कर रहा है ना, उसके माल को बेदर्दी से खर्च ना करे, अपनी आबरू की और शौहर के माल की।